आओ हम गीता के उस अध्याय में गहराई से जाएं, जहां हर शंख की ध्वनि एक आत्मिक रहस्य को खोलती है। श्लोक 15। हरि के शंख पंचजने धनजने का देवदत्त और विक्रोधर का प्रौढ़। यहाँ शंखों की ध्वनियां सिर्फ संगीत नहीं है, वे प्रकृति के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कृष्ण का पंचजने आकाश तत्व है, जो अनंत ज्ञान का प्रतीक है। अर्जुन का देवदत्त वायु तत्व है, जो चेतना की उड़ान का संकेत है। भीम का प्रौढ़ अग्नि तत्व है और ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। शंख की गूंज से निकलती है जीवन की राह, जो दिखाती है धरती और आकाश की सारी बात। श्लोक 16। राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, उनकी शंखों की ध्वनियां भी गूंजती हैं। युधिष्ठिर का अनंत विजय जल तत्व है, जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। नकुल का सुदोष पृथ्वी तत्व है, जो स्थिरता और धैर्य का संकेत है। सहदेव का मणिपुष्पक जल तत्व है, जो अनुकूलता संवेदनशीलता का प्रतीक है। हर शंख की ध्वनि में छिपा एक संदेश, जीवन की राह में बढ़ते चलो, ना डरो, ना थमो, ना विचलो। श्लोक 17 और 18। काशी का राजा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, सत्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा का पुत्र, सभी ने अपनी शंखों को बजाया। इन शंखों की ध्वनियां आत्मा की यात्रा के विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं। वे समर्पण, वीरता, न्याय, सत्य, प्रेम और अन्यता के प्रतीक है। शंखों की गूंज से निकलती है आत्मा की पहचान, जो दिखाती है हमें अपनी असली ताकत और अपनी असली जान। शंखों की गूंज सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत थी, बल्कि एक आत्मिक यात्रा की शुरुआत थी। आओ हम उस ध्वनि को सुने, जो हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाती है। नमस्ते।